यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी। मैं एक शेर के लिए, देखिए, ना केवल उर्दू, मुझे ये भी कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आप लोगों से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने आप लोगों के मजहब से भी बहुत कुछ सीखा है, उसको समझने की कोशिश की है। तो एक गज़ल आप तक सुना रही हूँ। मैंने इन रमज़ानों में पूरी उस आसमानी किताब को एक बार सुना, तो एक एक शेर के लिए गज़ल आप तक सुना रही हूँ, सुनेगा। किसी मजलूम के दिल की सदा को याद कर लेना, किसी मजलूम के दिल की सदा को याद कर लेना, किसी भी जुल्म से पहले सजा को याद कर लेना, किसी भी जुल्म से पहले सजा को याद कर लेना। बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो, बुरा जब वक्त आता है तो रब को याद करते हो, कभी अच्छी घड़ी में भी खुदा को याद कर लेना, कभी अच्छी घड़ी में भी खुदा को याद कर लेना। आप देखिए, आप मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं उनकी नजर कर रही हूं, सुनिएगा। हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, कलामुल्लाह की सूरे निसा को याद कर लेना। हुकूक औरत के मर्दों से है क्या ये जानना है तो, कलामुल्लाह की सूरे निसा को याद कर लेना। कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते, कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते, कभी तन्हाई में अपनी खता को याद कर लेना, कभी कभी तन्हाई में अपनी खता को याद कर लेना। जो गाफिल है, अगर गाफिल है तू अंजाम से, देखिए मैं तो जो, क्योंकि मैंने सुना था कि सूरे 29 नंबर की सूरा में 29 नंबर की आयत में कहा गया है कि हकीकत बयान करने वाला शायर ही उसकी नजर में अच्छा शायर होता है, तो मैं हकीकत जो भी है वो बयान करने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने इसराइल, अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने इसराइल, तो कौमे लूत और कौमे सबा को याद कर लेना। अगर गाफिल है तू अंजाम से अपने इसराइल, तो कौमे लूत और कौमे सबा को याद कर लेना। देखिए, इस पर खास तौर से आप सबकी दुआएं चाहती हूं कि दुआ को हाथ जब उठे तो बस इतनी गुजारिश है, दुआ को हाथ जब उठे तो बस इतनी गुजारिश है, करो जब याद अपनों को हया को याद कर लेना।